अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हजरात की खिदमत में आज फिर से हाजिर है एक ईद की मुबारकबादी लेकर। हमारे व्यूअर्स जो कमेंट में हमको आज मुबारकबादी दिए हैं लिखकर उन्होंने भेजा है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सोचा कि उनकी शुक्रगुजारी पर और ईद के शुभ अवसर यानी अच्छे मौके पर उनको मुबारकबादी दूँ। थंबनेल पे जैसे आप हमारे ग्रुप का फ़ोटोज़ देख रहे होंगे और उस पर मैंने किसी चीज़ का कोई मैटर नहीं डाला हूँ, सिर्फ ईद की मुबारकबादी का मैटर बनाकर डाला हूँ और मेरा एक फ़ोटोस है। तो नाज़रीन सोचा कि आपको अभी जो अय्याम चल रहे हैं क़ुरबानी के, दो दिन हमारे पास में अभी बाकी है, तो आप जिस जानवर की कलेजी इस्तेमाल करते हैं तो सोचा कि उसके आपको कुछ फ़वाद बताकर अपनी वीडियो को समेट लूँ, मुख्तसर कर लूँ। इसी के साथ साथ क्योंकि मैं मुबारकबादी के साथ में आपको एक और फार्मूला भी बता देता हूँ कि कलेजी आप खाते हैं तो इसके कितने फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले जो तिब्बी किताबों के अंदर इसका ज़िक्र आया है, तो ये ज़्यादातर जो जानवर चर कर जो सब्ज़ा खाते हैं, जो हरा चारा खाते हैं, उनकी कलेजी चरवाए चरने वाले जानवर की कलेजी खाने के ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अक्सर वो बेशतर क़ुरबानी में जितने भी जो जानवर आते हैं माशाल्लाह वो चरने वाले होते हैं, उनको हम अच्छी से अच्छी गिज़ा खिलाते हैं और वो फरबा और तंदुरुस्त रहते हैं, तो उसके कलेजी खाने के बहुत फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले आपको कलेजी खाने का बेनिफिट क्या मिलता है तो मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले इसमें जो मिलता है आपको विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है, विटामिन डी मिलती है, और इसी के साथ साथ जो है तो आपको अगरचे थकान रहती है तो उसमें भी ये फ़ायदा पहुँचाती है। आप अगरचे मानसिक तनाव में मुब्तला है आपके दिमाग को कुव्वत देती है, और जिन हजरात का खून कम है उसके खून को भी ये तेज़ी से बढ़ाती है। तो नाज़रीन इतने फ़ायदे हैं कलेजी खाने के, और अभी मौसम चल रहा है क़ुरबानी का तो कलेजी आप खाएँ और कलेजी से इनकार ना करें तो आपको कलेजी खाने का इतना बेनिफिट मिल सकता है। नाज़रीन तो आपको मुबारकबादी देते देते मेरे जहन में जो बात आई है एक किताबी हवाले से मैंने आपके सामने ज़िक्र किया हूँ। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मुबारकबादी कबूल होगी, हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, और इसी के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मदी जड़ी बूटी से आप जुड़े रहें और उसको सब्सक्राइब कर लें। फिर दूसरी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे एक नए नुस्खे के साथ, नई मालूमात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हजरात की खिदमत में आज फिर से हाजिर है एक ईद की मुबारकबादी लेकर। हमारे व्यूअर्स जो कमेंट में हमको आज मुबारकबादी दिए हैं लिखकर उन्होंने भेजा है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सोचा कि उनकी शुक्रगुजारी पर और ईद के शुभ अवसर यानी अच्छे मौके पर उनको मुबारकबादी दूँ। थंबनेल पे जैसे आप हमारे ग्रुप का फ़ोटोज़ देख रहे होंगे और उस पर मैंने किसी चीज़ का कोई मैटर नहीं डाला हूँ, सिर्फ ईद की मुबारकबादी का मैटर बनाकर डाला हूँ और मेरा एक फ़ोटोज़ है। तो नाज़रीन सोचा कि आपको अभी जो अय्याम चल रहे हैं क़ुरबानी के, दो दिन हमारे पास में अभी बाकी है, तो आप जिस जानवर की कलेजी इस्तेमाल करते हैं तो सोचा कि उसके आपको कुछ फ़वाद बताकर अपनी वीडियो को समेट लूँ, मुख्तसर कर लूँ। इसी के साथ साथ क्योंकि मैं मुबारकबादी के साथ में आपको एक और फार्मूला भी बता देता हूँ कि कलेजी आप खाते हैं तो इसके कितने फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले जो तिब्बी किताबों के अंदर इसका ज़िक्र आया है, तो ये ज़्यादातर जो जानवर चर कर जो सब्ज़ा खाते हैं, जो हरा चारा खाते हैं, उनकी कलेजी चरवाए चरने वाले जानवर की कलेजी खाने के ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अक्सर वो बेशतर क़ुरबानी में जितने भी जो जानवर आते हैं माशाल्लाह वो चरने वाले होते हैं, उनको हम अच्छी से अच्छी गिज़ा खिलाते हैं और वो फरबा और तंदुरुस्त रहते हैं, तो उसके कलेजी खाने के बहुत फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले आपको कलेजी खाने का बेनिफिट क्या मिलता है तो मैं आपको मुख्तसर अंदाज़ में बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले इसमें जो मिलता है आपको विटामिन ए मिलता है, विटामिन बी मिलता है, विटामिन डी मिलती है, और इसी के साथ साथ जो है तो आपको अगरचे थकान रहती है तो उसमें भी ये फ़ायदा पहुँचाती है। आप अगरचे मानसिक तनाव में मुब्तला है आपके दिमाग को कुव्वत देती है, और जिन हजरात का खून कम है उसके खून को भी ये तेज़ी से बढ़ाती है। तो नाज़रीन इतने फ़ायदे हैं कलेजी खाने के, और अभी मौसम चल रहा है क़ुरबानी का तो कलेजी आप खाएँ और कलेजी से इनकार ना करें तो आपको कलेजी खाने का इतना बेनिफिट मिल सकता है। नाज़रीन तो आपको मुबारकबादी देते देते मेरे जहन में जो बात आई है एक किताबी हवाले से मैंने आपके सामने ज़िक्र किया हूँ। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मुबारकबादी कबूल होगी, हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, और इसी के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मदी जड़ी बूटी से आप जुड़े रहें और उसको सब्सक्राइब कर लें।
फिर दूसरी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे एक नए नुस्खे के साथ, नई मालूमात के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।